ये बालाजी जूनियर स्टार मशीन है, और इसमें आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स है। ये मशीन इस तरह से दिखती है, इसमें पीछे स्लॉट दिया हुआ है यूएसबी और पावर के लिए, जिसके थ्रू आप पेन ड्राइव में डेटा ले सकते हो। और इसमें 2 इंच बिलिंग प्रिंटर साइज़ है, ये देखिए ये साइज़ 2 इंच का है। ये जो डिस्प्ले दिया हुआ है ये काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है, कंपेयर टू वेब की जॉय प्लस सीरीज़ में छोटा डिस्प्ले है। और अब हम यहाँ पे जो कीपैड दिया है उसके साथ लॉगिन करेंगे। यहाँ पे ऑन ऑफ़ के लिए स्विच दिया हुआ है, तो फर्स्ट ये यूज़र 1 और देन एंटर की प्रेस करनी है, देन उसके बाद फर्स्ट 1 यूज़र आईडी भी 1 है और पासवर्ड भी 1 है। यहाँ पे मैंने फिर से 1 1 करके एंटर प्रेस किया। देन ये जो स्क्रीन है यहाँ पे आपको मशीन इस तरह दिखेगी, और अभी हम लोग कुछ आइटम्स के बिल बनाते हैं। जैसे कि ऑलरेडी इसमें कुछ प्रोडक्ट स्टोर है बाय डिफ़ॉल्ट जो आते हैं कंपनी की तरफ से। फर्स्ट नंबर पे टी है, एंटर किया। यहाँ पे इन कप क्वांटिटी 2, एंटर, ये उसका रेट बता रहा है 2 क्वांटिटी का। अभी फिफ्थ नंबर पे मसाला डोसा, एंटर, क्वांटिटी 3, एंटर। फिर उसके बाद 7 नंबर पनीर टिक्का मसाला, एंटर। और ये आपकी पूरी आइटम ऐड हो गई है, 3 आइटम हो गई है। इसमें आप चेक कर सकते हैं टी 2 है क्वांटिटी, पनीर टिक्का मसाला 1 क्वांटिटी है, और एक मसाला डोसा है 3 क्वांटिटी। तो अभी मैं इसका बिल कर रहा हूँ, प्रिंट बटन प्रेस किया, और यहाँ पे आप देखोगे इसकी बिल आ गई है। ये देखो इसमें GST इंक्लूड है, आपको अगर GST नहीं चाहिए तो आप GST हटा भी सकते हो यहाँ से, तो प्लेन बिल आ जाएगी, जो आपका यहाँ का जो स्पेस जा रहा है वो सारा स्पेस बच जाएगा आपका। और बाकी रिपोर्ट्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको मेनू में जाके दिखा देता हूँ। इसमें रिपोर्ट्स फर्स्ट नंबर पे है, और मैनेज डेटाबेस, फिर देन उसके बाद सेटिंग, बैटरी स्टेटस, हॉट की सेटिंग, और पेज 1 में इतने ही आइटम्स है, पेज 1 है। देन उसके बाद मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, फर्स्ट नंबर लॉगिन करके डिटेल्स में, डिटेल्स समरी और डाउनलोड बिल्स, डिटेल्स रिपोर्ट, बिल वाइज रिपोर्ट्स करंट डे। अभी हम लोगों ने 426 का बिल जो बनाया था फर्स्ट वाला, ये देखिए ये 426 का बिल है, इसका सेम रिपोर्ट आपको बिल वाइज रिपोर्ट में बता रहा है। बिल नंबर है 13, और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल नंबर 13 है। तो इस तरीके से आप बिल वाइज रिपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपको आइटम वाइज रिपोर्ट चाहिए तो सेकंड नंबर प्रेस कीजिए करंट डे के लिए, फ्रॉम 1 to 100। अभी समझो 100 प्रोडक्ट्स है मेरे पास, तो मैं 100 ही प्रेस कर रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या आइटम सेल हुई है, टी 2 क्वांटिटी सेल हुआ है, मसाला डोसा 3 और पनीर टिक्का मसाला 1, जो मैंने फर्स्ट बिल बनाया है उसी में से सारे आइटम इसमें शो कर रहे हैं। और वो दूसरी चीज़ यहाँ पे टैक्स भी बता रहा है पर आइटम कितना, ये वेब के मशीन में नहीं होता है। आइटम वाइज रिपोर्ट में आपको टैक्स का कुछ भी पता नहीं चलता है, खाली आपको यहाँ पे बिल वाइज रिपोर्ट में टैक्स बता देते हैं वो लोग। तो यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है कि टैक्स बता देते हैं बिल के साथ आइटम वाइज रिपोर्ट में भी। उसके बाद मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, इसमें बाकी सारे सेटिंग्स है, जैसे कि हेडर फुटर सेट करना है, और आपको मैनेज डेटाबेस कैसे, बिल सेटिंग क्या करनी है, बिल में क्या चाहिए आपको, वो सब सेटिंग दिए हुए इसके अंदर। फिर उसके बाद
जनरल सेटिंग दी हुई है, जैसे टाइम, डेट एंड टाइम, एलसीडी कंट्रास्ट क्या करना है, बजर बंद करना है, चालू करना है। देन उसके बाद एप्लीकेशन सेटिंग भी है यहाँ पे, एप्लीकेशन में मैनुअल रेड एंट्री, टेबल नंबर चालू करने के लिए यूडीएफ सेटिंग दिया हुआ है। तो ये सारे ऑप्शन है इसके अंदर। कूपन प्रिंटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, टू कॉपी बिल का भी ऑप्शन है इसके अंदर। डेटाबेस में मैनेज करने के लिए कुछ आइटम्स में ऐड न्यू करने हैं तो प्रोडक्ट्स में जाके ऐड कर सकते हो, यूनिट सेट कर सकते हो। पेन ड्राइव से डेटा अपडेट कर सकते हो, मशीन में हेडर एंड फुटर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसमें और एक चीज़ है, ज़ीरो प्रेस करने के बाद एंटर करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर मोड चालू हो जाता है। जैसे कि आप क्वांटिटी डालोगे 1 और रेट आपको 250 रुपीज़ देना है, फिर उसके बाद आपको 12 क्वांटिटी है 50 रुपये के हिसाब से देना है। आपका ये टोटल बिल अमाउंट बता रहा है। आप प्रिंट करोगे आपको प्रिंटिंग में ये शो करेगा, फर्स्ट क्वांटिटी 1 रुपये के हिसाब से इतना, फिर 250 × 12 इतना होता है, क्वांटिटी रेट, क्वांटिटी रेट के हिसाब से आता है। फिर इसका भी अलग रिपोर्ट जनरेट होता है मशीन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।